हाय मिलानो, कैसे हो? आज मैं आपको 8th स्टैंडर्ड की पोएम सिखा रही हूँ। बीन बीन तिनची शाला। बीन बीन तिनची शाला मीन्स नेचर। देखो, आप लोग स्कूल में आकर पढ़ते हो तो स्कूल को तो वॉल रहती है, तो इसके अंदर हम लोग जो बुक स्टडी करते हो, लेकिन नेचर भी हमको बहुत कुछ सिखाता है। तो नेचर में कौन सी चीजें आती है, वो क्या क्या सिखाते हैं, वो हम लोग इस पोएम में सीखेंगे। बीन बीन तिनची शाला उघड़ी शाला लाखो इथलो गुरु। देखो, बीन बीन तिनची शाला मीन्स ये स्कूल कैसे रहती है, ओपन स्कूल। यहाँ पे आपको स्कूल में आपको एक या चार पांच टीचर ही रहते हैं सिखाने के लिए, लेकिन इस नेचर में आपको लाखों टीचर्स मिलते हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखाते जाते हैं। झाड़े वेली पशु पाखरे यांशी गोष्टी करो। सबसे पहले नेचर में हमको क्या मिलते हैं, झाड़। झाड़ मीन्स ट्रीज, वेली क्रीपर्स, पशु पाखरे एनिमल्स एंड बर्ड्स। हमको इनके साथ बातें करनी है और बातें करते करते वो कैसे हैं, उनके बारे में हमको सब इंफॉर्मेशन लेनी है और कुछ ना कुछ उनसे हमको हम सीख सकते हैं। बघु बंगला या मुंग्यांचा सूर ऐकूया त्या भुंग्यांचा। मुंग्या मुंग्या मीन्स एंट्स और भुंग्या भुंगा मीन्स भवर। देखो, बघु बंगला या मुंग्यांचा, मुंग्यांचा बंगला मीन्स एंट हिल। आपने देखे होंगे एंट हिल्स कितने बड़े बड़े रहते हैं और चींटी तो कितनी छोटी सी रहती है, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा एंट हिल बना सकती है। क्यों ये काम वो कर सकती है, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क करती है और उनका एक टीम वर्क रहता है। आपने देखा होगा कि कभी भी चींटी अकेले में नहीं रहती, वो हमेशा झुंड में रहती है और टीम वर्क करते हैं। इसके लिए इतनी छोटी सी होने के बावजूद भी वो इतना बड़ा एंट हिल बना सकती है। तो हमको उनसे वो सीखना है कि हार्ड वर्क कैसे करना है और टीम वर्क कैसे करना है। सूर ऐकूया त्या भुंग्यांचा। भवरे जो रहते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, ऐसे करके आवाज करते रहते हैं और यहाँ से वहां घूमते रहते हैं। फुला फुलांचे रंग दाखवित फिरते फुलपाखरू। फुलपाखरू मीन्स बटरफ्लाई। देखो, बटरफ्लाई क्या करते हैं, बटरफ्लाई किधर दिखता है हमको ज्यादा, गार्डन में। वो एक फूल से उड़ के दूसरे फूल पे जाके बैठता है, जैसे कि वो हम लोगों को फूलों के अलग अलग कलर दिखाना चाहता है। हिंदू ओढ़े धुंडू ओहर। हिंदू ओढ़े, ओढ़े मीन्स झरना, वाटरफॉल। देखो, वाटरफॉल देखने के लिए हम लोगों को बहुत घूमना पड़ता है, वैसे ही धुंडू ओहर। ओहर मीन्स जो पानी का फ्लो आता है ना, वो किसी नैरो प्लेस में जहाँ पे छोटा सा खड्डा रहेगा उसमें से वो बहता जाता है, तो इसके लिए ये ओहर हमको ढूंढने पड़ते हैं इसे, वो क्योंकि वो नेचुरली बनते हैं। झाड़ांवरचे काड़ू मोहर। मोहर मीन्स हनीकॉम्ब। जो हनी बीज रहती है वो अपना घर किसके ऊपर बनाती है, झाड़ के ऊपर, मीन्स वो जो हनीकॉम्ब। तो वो कहते हैं कि हम लोग उस झाड़ पे चढ़ेंगे और वो मोहर इंसानी को निकालेंगे। चिड़त्या दसत्या मधमाशांशी जरा सामना करूं। देखो, हनी कॉम को अगर हम लोगों ने निकाला तो क्या होगा, उसके ऊपर जो हनी रहती है, हनी बीज, वो तुरंत आपके हम लोगों को, क्योंकि वो बहुत चिड़त्या में बहुत गुस्सा हो जाती है और हमको काटने भागती है, तो हम लोगों को उनका सामना करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे और एक चीज आपको सीखने मिलती है, आपको पता होगा ये मधमाशी मीन्स जो हनी भी रहती है, वो जब हमारे बदन को काटती है तो वो खुद मर जाती है, मीन्स वो खुद को मिटाती है अपने घर को बचाने के लिए। भल्या सकाळी उन्हात ना हो ऐन दुपारी पर्यात पहो। और नेचर में हम लोग क्या क्या करेंगे, देखो सुबह का जो धूप रहता है वो कितना अच्छा रहता है, तो उस सुबह की धूप में हम लोग नहाएंगे। नहाएंगे मीन्स वो धूप अपने बदन पे लेंगे, तो हम लोगों को उससे डी विटामिन्स मिलेंगे।
आईन दोपहरी पोरे तक को। अभी दोपहर के टाइम में क्या होते हैं, धूप बढ़ जाती है, बहुत गर्मी होती है, और पर्या पर्या मीन्स जहाँ पे पानी जम जाता है, मीन्स इकट्ठा होता है, इसी जगह पे जाके वो भी थोड़ा, और वो फ्लोइंग वाटर रहते हैं तो वो क्लीन भी रहते हैं, और दोपहर के टाइम में थोड़ा वार्म हो जाते हैं, तो उसके अंदर हम लोग स्विमिंग कर सकते हैं। सायंकाली मौजू चांदण्या गणती त्यांची करूं, और शाम हो जाएगी तो क्या होता है, आकाश में चांदण्या में स्टार आ जाते हैं, फिर हम लोग उसको काउंट करना चालू करेंगे और उनकी गिनती करते जाएंगे, मीन्स उनको काउंट करते जाएंगे। ओके, आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आई होगी। हम लोग अभी उसके शब्दार्थ तो जो आपके बुक में दिए वो देखते हैं। बिन भिंतींची मीन्स भिंती शिवाय, भिंती मीन्स वॉल, बिना वॉल के, यांशी यांच्याशी मीन्स इनके साथ, ढूंढू शोधून काढू मीन्स उनको फाइंड करेंगे ढूंढेंगे, ओहर नाले, अभी ओहर मैंने आपको एग्जाम पोएम एक्सप्लेन करते वक्त ही बताया था, जो फ्लोइंग वाटर रहता है वो एक जगह पे जम जाता है, सामना मुकाबला मीन्स उनसे हम लोग फेस करेंगे, सकार पहाटे, पाखरे खौफ, सायंकाली संध्याकाल, चांदनी तारे, चिड़त्या चिड़नार्या गुस्सा होने वाले, शाला विद्यालय, हिंदू फिरने घूमना, ऐको आवाज, कविला कौन। आता अपन या कवितेचा क्वेश्चन आंसर बघूया, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। कवीला कोणा कोणाशी गोष्टी कराव्याशा वाटतात, किस किस के साथ वो बातें करने वाला है, उसको ऐसे लगते हैं कि मैं इन चीजों से बातें करूं, झाड़ी वेली पशु पाखरी यांच्याशी गोष्टी कराव्याशा वाटतात, झाड़ी वेली पशु पाखरी इनके साथ उसको बातें करने को मन करता है। बंगला कोणाचा बघूया असे कवी म्हणतो, किसका बंगला बोला इस पोएम में, मुंग्यांचा बंगला, मुंग्यांचा बंगला बघू या असे कवी म्हणतात, कुठे हिंडावे आणि काय ढूंढावे असे कवीला वाटते, उसको कहाँ पे घूमना है और क्या ढूंढ लेना है, ओढ्या काठी हिंडावे आणि ओहर ढूंढावे असे कवीला वाटते, बिन भिंतीची शाळा कशाच म्हटले जाते, स्टार्टिंग में बताया बिन भिंतीची शाळा मीन्स निसर्गाला बिन भिंतीची शाळा असे म्हटले जाते, नेचर को कहा जाते बिन भिंतीची शाळा, फुलपाखरू काय करते, प्रत्येक फुलाचा रंग दाखवत फुलपाखरू फिरते, फुलपाखरू क्या कहते हैं करता है वो, हर एक फूलों का आपको कलर दिखाता रहता है और इस फूल से उस फूल पे घूमता रहता है, पर्यात कभी पोहायचे आहे कौन से टाइम पे पर हमें स्विमिंग करना है, ऐन दुपारी पर्यात पोहायचे आहे का दोपहर को आफ्टरनून में, कोणाशी सामना कर करूया असे कवी सांगतो, किसके साथ हमको फेस करना है, किसके साथ सामना करना है, चिडणाऱ्या व डसणाऱ्या मधमाशांची सामना करूया असे कवी सांगतो, चिडणाऱ्या मीन्स गुस्सा करने वाले, डसणाऱ्या मीन्स आपको काटने वाले, इस तरह के मधमाशी से हमको सामना करना है। ओके, थोड़क्यात उत्तरे लिहा। अभी देखना ये जो आंसर है उसमें एक ही क्वेश्चन आपको दिया है और पूरे पोएम का सार इसमें दिया है, मीन्स अगर आपने वन सेंटेंस अच्छे से लर्न किए तो ये आंसर लर्न करना आपको बहुत इजी जाएगा। क्वेश्चन है, बिन भिंतीची शाळा या कवितेतून निसर्गाबद्दल कवीने काय म्हटले आहे, मीन्स या कवितेत निसर्गाबद्दल पोएट ने हमको क्या क्या बताया है। कवी ग द माडगुळकर यांनी निसर्गाला बिन भिंतीची उघडी शाळा म्हटले आहे, इस पोएम के कवि कौन है, कवि गदी माडगुळकर, उन्होंने निसर्ग मीन्स नेचर को बिन भिंतीची स्कूल कहा है, ते म्हणतात निसर्गात लाखो गुरु इथे ज्ञान द्यायला सज्ज आहे, इस निसर्ग में आपको सिखाने के लिए
लाखों टीचर तैयार बैठे हैं, रेडी हैं अपन झाडांशी, वेलींशी, पशूंशी व टाकरांशी खूप गोष्टी करूया. देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि आपको झाड, वेली और पशु टाकर इनके साथ आपको बातें करनी है. मुंग्यांचे वारूळ म्हणजे जणू त्यांचा बंगला, तो आपण पाहू. मुंग्यांचे वारूळ मीन्स अँथिल, मीन्स वो उनका बंगलो रहते हैं, हम लोग उसको देखेंगे. मुंग्यांचा सूर ऐकू या फिरणाऱ्या भिरभिरणाऱ्या या फुलपाखरांबरोबर प्रत्येक फुलांचे रंग पाहूया. उसके बाद हम लोगों को भूंगा मीन्स भंवर का, हम लोगों को उसका स्वर सुनना है, आवाज सुनना है. फिर फुलपाखरू के साथ, वो फुलपाखरू क्या करते हैं, यहाँ से वहां बस बिर 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 घूमता रहते हैं, तो हम लोगों को भी उसके साथ घूमना है और फूलों के अलग अलग कलर देखने हैं. फिर थर्ड पैराग्राफ, ओरे पहाड़ हिंदुया ओरातले पानी शोधुया. ओढ़ा में झरना ढूंढते हुए हम लोग घूमेंगे, फिर ओवर का पानी भी ढूंढेंगे. उसके बाद या झाडावरचे मधमाशांचे पोहे काढूया, झाड के ऊपर जो हनी कोंब है उसको निकालेंगे. भल्या सकाळी सूर्य उगवताना कोवळ्या उन्हात आंघोळ करूया, जब सन राइज होता है उस टाइम का जो धूप है उस टाइम हम लोग उस धूप में नहा लेंगे. भर दोपारी पर्यामध्ये पोहायला, फिर दोपहर आफ्टरनून के टाइम में पर्या में जाके हम लोग स्विमिंग करेंगे. संध्याकाळी चांदण्या मोजून त्याची गणती करूया, और शाम को हम लोग क्या करेंगे, स्टार, चांदण्या में स्टार, उनको हम लोग काउंट करेंगे और वो कितने हैं वो हम लोग देखेंगे. ऐसे कवि म्हणतात, मीन्स पूरी पोएम में ये सब आपको बताया गया है. अभी रिकाम्या जागा भरा. डैश रंग दाखवित फुला फुलांचे, रंग किसके दिखाते हैं फुलपाखरू, फुला फुलांचे. चिडत्या डसत्या, कोणे चिडत्या डसत्या, मधमाशांची. भल्या डैश उन्हात नाहू, भल्या सकाळी. बघू बंगला या डैश, कोणाचा बंगला बघायचे, मुंग्यांचा. ओके, पोईम भी मैंने सिखाई, उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको समझाए, आई थिंक आपको समझ में आए होंगे. अभी आपको ये सब लर्न करना है. ओके, थैंक यू.